सो गाइस, ये आप देख रहे हैं, ये मेरी लास्ट मंथ की फुल कॉल रिकॉर्डिंग है, फुल डिटेल्स हैं जो कि मैंने स्टेटमेंट में डाउनलोड करी है जियो से। और ये बहुत ही अच्छी ट्रिक्स है, आप किसी भी, अगर आप किसी को डाउट है तो उसकी आप कॉल डिटेल्स आसानी से निकाल सकते हैं, उसको देख सकते हैं किससे किससे ज़्यादा बात कर रहा है और वो क्यों कर रहा है। ओनली जियो ही नहीं अपनी कॉल रिकॉर्डिंग हमें देता है, एयरटेल भी हमको देता है और वोडाफोन आइडिया भी देते हैं। मोस्टली आजकल जो इंडिया में पीपल्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं सिम, आइदर वो जियो होती है या फिर वो एयरटेल होती है, तो मैं आपको दोनों से उस पर करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको जियो को करके दिखाता हूँ। तो आपको माई जियो ऐप में ओपन करना है। ये सिंपल सा एक ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है और हमें पता ही नहीं होता कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम अपनी कॉल रिकॉर्डिंग या कॉल डिटेल दे सकते हैं। पहले जियो शायद 180 डेज तक देता था हमारी कॉल डिटेल, बट नाउ जियो गिव द परमिशन ओनली 30 डेज़। तो हम 30 डेज़ की देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, हम अपने इस वाले पोर्शन पे आते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 GB रिमेनिंग वाला, ठीक है। चेक यूजेस पर हमें आप क्लिक करना है। यहाँ पे आप नॉट ओनली कॉल्स, आप जो है आप डेटा, SMS, वाईफाई सब की डिटेल्स जान सकते हैं। ये देखिए मेरा डेटा कितना यूज़ होता है, यहाँ पे एक एक डिटेल है। ये मेरा यस्टरडे यूज़ हुआ था इतना 145 MB, और अब आज का मेरा कोई यूजेस अभी नहीं है, पूरा 2 GB का है। अब मैं अपने कॉल्स पे आता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ मेरी कॉल डिटेल्स आना स्टार्ट हो गई हैं। ये आज की कॉल डिटेल है, देखिए मैंने किस किस को फ़ोन किया सब आ रहा है। अगर नंबर सेव है तो ठीक है, नंबर नहीं सेव है तो उसका नंबर शो करता है और टाइमिंग सब चीज़ बताता है यहाँ पे 12 मंथ। तो यहाँ पे आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, डू यू वॉन्ट टू व्यू डिटेल यूजर स्टेटमेंट, यस। तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना, आप मैक्सिमम 30 डेज़ का कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जून है तो 30 डेज़ के लिए यहाँ पे इसको मैं 17 में कर लेता हूँ, ताकि मैं 30 डेज़ हो जाए। दो तरीके हैं आपको, या तो व्यू स्टेटमेंट कीजिए, ईमेल स्टेटमेंट। ईमेल स्टेटमेंट का मतलब है कि आपका स्टेटमेंट जो ईमेल एड्रेस पर आ जाएगा आपकी, या फिर डाउनलोड। तो मैं सिंपल डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो आप विद इन 30 सेकेंड्स या विद इन अ मिनट आपका ये स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाता है और आप इसको ओपन कर सकते हैं। देखिए, ऑटोमेटिकली चूज़ करने को आ गया, मैं जस्ट वंस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे पहले आपके बारे में डिटेल आएगा, फिर जैसे ही आप अप करते आएंगे, स्क्रॉल को डाउन करेंगे, आप देखिए ये पूरी कॉल डिटेल्स मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं 14 जून को मैंने ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, और आप देखो ये है जियो नेट। अभी मैंने नेट यूज़ करा है, कितना MB मेरा ये है। अभी कॉल रिकॉर्डिंग के लिए भी इसमें यहाँ पर मोबाइल नंबर भी शो हो जाते हैं। अब अभी थोड़ा नीचे देख, वॉइस वाला वो पहले डेटा का था, अभी हमारा वॉइस का आ गया। ये आप देख सकते हैं 14 जून को मैं वीडियो भी बना रहा हूँ। यहाँ पे अभी ये हमारा नंबर है, ठीक है, नंबर्स मैंने हाइड कर दिए हैं। और ये हमारा देख सकते हैं बिल यूजेस, कितना सेकंड है, कितना ये चार्जेबल क्या है, और पूरा आप देख सकते हैं, पूरा मेरा जो 30 डेज़ तक का था पूरा PDF फॉर्म में मुझे मिल गया। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि कौन किससे क्या बात कर रहा है। जब हमें किसी को डाउट होता है तभी हम उसको लगा सकते हैं। हम ये तो मैंने आपको अपने नंबर की बताया था, अब मुझे दूसरों को नंबर के लिए देखना है तो कैसे देखना है अदर नंबर्स के लिए। तो आपको देखिए यहाँ पे स्विच अकाउंट का ओपन आता है, आपको सर्च करने अकाउंट, तो उसके लिए आपको ये देखिए ये चीज़ है, 1 2 3 4, इतने सारे मेरे 4 अकाउंट्स हैं। ये 4 अकाउंट क्या है, मैंने ऐड कर रखे हैं जियो में। तो मैं इन चारों मोबाइल नंबर्स के चारों अकाउंट की कॉल डिटेल ले सकता हूँ, बहुत इजीली ले सकता हूँ आसानी से। तो आपको सिंपल सा काम करना है, आपको कैसे भी करके अकाउंट में ऐड करना है, बहुत इजी प्रोसेस होता है। इसमें आपको ऐड अकाउंट पे आकर OTP से लॉगिन करना है, बहुत इजीली आप लॉगिन कर सकते हैं। उससे कहते हैं मुझे अपने माई जियो पे देखना है, कुछ करना है, बस थोड़े बहुत ऐसी बहाने बना के कर सकते हैं। तो ये तो था जियो का, अब मैं आपको बताता हूँ एयरटेल का, ठीक है। एयरटेल के लिए आपको एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको अपने, सॉरी, आप होम पे ही रहिए। ये जो यहाँ पे आप टैब देख रहे हैं ना, ये जहाँ पे मेरे 11 डेज़ की वैल्यू और 30 रुपीज़ है, इसको आप क्लिक कर दिए सिंपल। उसके बाद ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करिए, आपकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। मैं 2 सिम यूज़ कर रहा हूँ, एक एयरटेल की और एक जियो की। तो एयरटेल पर जितनी कॉल्स आती हैं वो सारी बताएगा, जियो पर जितनी कॉल्स आती हैं वो सारी हमें बताएगा, ठीक है। ये देखिए अभी सारे मैंने इसे रिफ्रेश करा तो नंबर्स मेरे को सारे बता दिए कि इसमें क्या बात हुई थी, व्यू प्रीवियस ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ये इस तरीके से आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। सो सिंपली इसमें भी आपको
अगर आपको अपने नंबर की देखना है तो ठीक है, और आपको अदर नंबर की देखना है तो ऐड करना पड़ेगा अकाउंट। ऐड करने के लिए मोबाइल डाल कर OTP आपका आ जाना चाहिए। OTP बहुत इजीली हर कोई आपको दे देता है, क्योंकि इसमें कुछ लगता नहीं है कि इसमें से कोई मेरी को डिटेल्स ले लेगा प्राइवेसी की, बट यहाँ पर आपकी प्राइवेसी भी लीक हो सकती है, क्योंकि हम अदर डिटेल्स हैं उसके बारे में कॉल नंबर भी निकाल सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को लाइक करिए अगर अच्छी लगी हो, नहीं लगी अच्छी तो डिसलाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो इस चैनल पर आपको टेक वीडियो के साथ साथ आपको एजुकेशनल वीडियोस भी मिलती रहती हैं।